गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, सबसे पहले हम करेंगे हाउ एंड व्हेन टू फाइल टैक्स, मतलब टीडीएस रिटर्न, राइट, एंड ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टीडीएस। देखो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं करना है लर्न, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है एंड आया भी हुआ है पहले, राइट। अब जो मैं टैक्स का काम आपको कराने वाली हूँ ना, जितने भी वीडियो मैं बनाने वाली हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट है और सारी पहले आ चुकी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिना काम, मतलब सारे क्वेश्चन आ चुके हैं पहले, मैं बिना काम की वीडियो नहीं बनाऊंगी। अब मेरे को भी पता है कि ये कितना प्रीसियस टाइम है और इसको ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप बेफिक्र होकर बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए, जो जो वीडियो देख रहा है ना उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली है, राइट। तो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले हाउ एंड व्हेन टू फाइल टैक्स, मतलब टीडीएस रिटर्न, राइट। सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइलिंग टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स रिटर्न इन अ मैंडेटरी फॉर ऑल द पर्सन हु हैव डिडक्टेड टीडीएस। टीडीएस रिटर्न इज टू बी सबमिटेड क्वार्टरली एंड वेरियस डिटेल्स नीड टू बी फर्निश्ड लाइक टैन, अमाउंट ऑफ टीडीएस डिडक्टेड एटसेट्रा। मीनिंग आपको ये बात ध्यान में रखनी है, आपको ये फॉलो करना ही करना है, राइट। ये नॉर्मल चीज़ें थी जो अब मैं बता रही हूँ, वो ध्यान से देखना। सबसे पहले बात आपकी बात हो रही है ड्यू डेट्स ऑफ पेमेंट ऑफ टीडीएस, मतलब कि आप टीडीएस किस टाइम पर दोगे, ड्यू डेट्स क्या रहने वाली है। देखो इफ़ टैक्स डिडक्टेड ड्यूरिंग अप्रैल टू फेब तो बाई सेवन्थ ऑफ द नेक्स्ट मंथ, कहने का मतलब है जिस महीने आपका टीडीएस कटा उसकी नेक्स्ट मंथ की 7 डेट को आपको टीडीएस फाइल कर लेना है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपने जैसे अप्रैल में टीडीएस काटा तो आप मई में 7 मई को मतलब फाइल कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आपने मई में काटा तो 7 जून को, जून में काटा तो 7 जुलाई को, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि अगर आपने मार्च में काटो तो याद रखना आप 30 अप्रैल तक, ये नहीं है कि मार्च में मीनिंग 7 अप्रैल, नहीं, 30 अप्रैल तक आप फाइल कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ड्यू डेट एक बार देख लीजिए, आपकी टीडीएस रिटर्न फाइल की ड्यू डेट क्या रहने वाली है, बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले मान लीजिए आपका क्वार्टर का एंड आपका 30 जून को हो रहा है, कैसे, अप्रैल मई जून, मेरी बात समझ में आई, 1 अप्रैल टू 30 जून, अप्रैल मई जून आपका क्वार्टर का एंड हो गया। मैंने क्या बोला, टीडीएस रिटर्न ड्यू डेट आपकी क्वार्टरली की बात हो रही है, यहाँ पर मंथली की बात नहीं हो रही, तो क्वार्टरली क्या करोगे आप, नेक्स्ट जून से जुलाई, तो 31 जुलाई तक आपको पेमेंट कर देनी है। बात बिल्कुल समझ में आई, कहने का मतलब रिटर्न फाइल कर देनी है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई। नेक्स्ट उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वार्टर क्या कब होएगा, जुलाई अगस्त सितंबर, मीनिंग 30 सितंबर को आपके क्वार्टर का एंड हो जाएगा। तो जैसे ही 30 सितंबर को आपके क्वार्टर का एंड हुआ, सितंबर के बाद क्या आने वाला है, अक्टूबर, तो 31 अक्टूबर आपकी टीडीएस की रिटर्न ड्यू डेट होगी, टीडीएस रिटर्न ड्यू डेट होगी। बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आ गई। आगे उसके बाद सितंबर के बाद आया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसका मतलब 31 दिसंबर को आपका क्वार्टर का एंड होगा। जैसे ही आपका क्वार्टर का एंड होगा जनवरी में चले, और 31 जनवरी आपकी रहने वाली है टीडीएस रिटर्न ड्यू डेट, बिल्कुल समझ में आ गया, कितना आसान है ना। फिर उसके बाद जनवरी, फरवरी, जैन, फेब और मार्च, ठीक है, जैन, फेब और मार्च, 31 मार्च हो गया, क्वार्टर का एंड हो गया, मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल आता है। लेकिन याद रखना टीडीएस की जो टीडीएस रिटर्न ड्यू डेट होगी यहाँ पर होगी 31 मई, ये बात इंपॉर्टेंट है और यही बात पूछी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप लगा के आओगे 31 मार्च है ना, तो यहाँ पर 31 अप्रैल लगा के आओगे, बट 31 अप्रैल नहीं लगानी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, अप्रैल 30 अप्रैल, मैंने 31 अप्रैल बोल दिया ना, हाँ 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल नहीं लगाना है यहाँ पे, 31 मई लगाना है। मेरी बात ध्यान से सुन लो, आंखें खोल के नहीं, कानों को खोल के सुन लो, आंखें खोल के तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। क्या बोला मैंने, दोबारा से बता रही हूँ, क्वार्टर का एंड आपका 30 जून में हो रहा है, पहले देखो अप्रैल मई जून, तो जून में हो रहा है, जून में होते आप 31 जुलाई को भर दोगे, फिर जुलाई अगस्त सितंबर में हो रहा, अक्टूबर में भर दोगे, सितंबर था ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हो रहा, जनवरी में भर दोगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, जैन, फेब और मार्च की अगर मैं बात करूं तो जैन, फेब और मार्च की आ गई, तो फिर आपकी मार्च के बाद अप्रैल आना चाहिए था, लेकिन अप्रैल नहीं आएगा, यहाँ पर मई आएगा, ये बात याद रखना, 7 मई तो यहाँ पे है ही नहीं, 31 मई की बात करोगे, ठीक है, 31 मई यहाँ पर आने वाला है, ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको, बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, वो है सेक्शन नंबर 20 आई, जैसे आपको स्टिक लगे, मतलब जब छोटे बच्चे थे, जब डंडा, मैम मैम बोलती काम करके लेके आए,
आप कहोगे नहीं मैम नहीं करके लेके आए, फिर आप ऐसे पिटाई होती थी आपके डंडों से पटापट, तो जब आपको लगता था डंडा तो आप बोलते थे आई। तो ऐसे ही जब आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो आपके ऊपर पेनल्टी लगती है। तो याद रहेगा हमेशा सेक्शन 20 आई, आई याद रखना आई। तो 20 आई में क्या याद रखना आपको कि जब आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो या TDS जो है काटने में डिडक्ट करने में आप फेल हो जाते हो या फिर रिटर्न फाइल करने में आप फेल हो जाते हो, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट जो है आपको जो SSC है जो ऐसा करने से भूल चूक हो जाते हैं या फिर जानबूझकर नहीं करता, तो SSC यहाँ पर नहीं, SSC नहीं, गवर्नमेंट उस SSC को डिफ़ॉल्ट का दर्जा दे देती है, तो उसको उसके ऊपर पेनल्टी लगती है। और वो पेनल्टी जो है वो क्या लगेगी, उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 220 में एंड पेनल्टी लगेगी अंडर सेक्शन 221 के अंदर। समझ में आई, 220 और 221 इन दो सेक्शंस में उसके ऊपर पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट लगने वाला है। मेरी बात ध्यान से समझ लो, सेक्शन 20 आई याद रहेगा, आई बिल्कुल अच्छे से, 20 आई बिल्कुल अच्छे से याद रहने वाले आपको कि आप फेल हो जाते हो। बिल्कुल समझ में आया कि आप फेल, वो वाले फेल नहीं हुए मैडम वाला कि आपके डंडों से पिटाई होगी, ना ना ना, ना। यहाँ पर आप रिटर्न फाइल करना फेल हो गए। उसके बाद एक सेक्शन रहता है आपका सेक्शन 20 IA, इसमें IA मतलब अब तो आपकी बिल्कुल बैंड बजने वाला है आपका IA। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर आप TDS की पेमेंट तो करते हो लेकिन लेट करते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए तीन केसेस हैं, दो केसेस समझो, पहले आप लेट डिडक्ट करवाते हो, ठीक है, लेट डिडक्ट कराते हो, इसमें क्या होगा आपका इंटरेस्ट लगेगा आपका एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और अ पार्ट ऑफ अ मंथ ऑन अमाउंट ऑफ TDS फ्रॉम द डेट ऑफ टैक्स वॉज डिडक्शन टिल द डेट ऑफ टैक्स एक्चुअली डिडक्टेड। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आज, या फिर मैं ये बोलूँ कि जनवरी में जो कटना चाहिए था वो अगर फेब में कट रहा है या फिर वो मार्च में कट रहा है, तो जनवरी फरवरी मार्च जितने महीने होंगे ना, जिस साल जिस महीने कटना चाहिए था और जिस महीने कट रहा है उसके बीच में जितना भी गैप होगा उतने मंथ में 1% के हिसाब से आपके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा अंडर सेक्शन 20 IA। समझ में आई बात। उसके बाद ये कह रहा है कि आप पेमेंट लेट करते हो तो क्या लगने वाला है, यहाँ पर तो काटा ही आपने लेट, अब आपने पेमेंट लेट करी तो आपके ऊपर लगने वाला है एट द रेट ऑफ 1.5% पर मंथ और अ पार्ट ऑफ अ मंथ और अमाउंट ऑफ TDS फ्रॉम द डेट ऑन विच टैक्स वॉज डिडक्टेड टिल डेट ऑन विच सच टैक्स इज एक्चुअली पे। बात समझ में आई, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। अगर आप डिडक्ट ही लेट करते हो तो आपको 1% इंटरेस्ट के हिसाब से हर महीने देना पड़ेगा, और अगर आप मतलब आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपको 1.5% के हिसाब से देना पड़ेगा इंटरेस्ट। बिल्कुल समझ में आई बात। उसके बाद आता है आपका सेक्शन 234E, मतलब ई 234E, इसमें क्या होगा, फीस फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग TDS TCS रिटर्न। आपने फर्निश नहीं किया TDS TCS की रिटर्न तो आपको 234E में क्या करना पड़ेगा, ई में आपको फी पे करनी पड़ेगी ₹200 पर डे फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द फेलियर कंटिन्यू। जब तक वो फेलियर कंटिन्यू रहेगा तब तक आपके ₹200 पर डे के हिसाब से लगेंगे। फी कैन नॉट बी मोर देन द अमाउंट ऑफ TDS TCS, लेकिन याद रखना TDS और TCS के अमाउंट से फीस आपकी ज़्यादा नहीं होगी, वो तो आप वसूली कर लेंगे, वो टेंशन इस बात की आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही बहुत बहुत चालाक लोमड़ी है, ठीक है, तो इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करिए। तो मैंने आपको ड्यू डेट्स और पेमेंट ऑफ TDS करा दिए, आप आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, नहीं समझ में आई तो चुपचाप जाके वीडियो को दोबारा से शुरुआत से देखो। एक बार मैं लास्ट में रिवाइज़ करा देती हूँ आपकी, क्वार्टर का एंड आपका 30 जून को हो रहा है, क्योंकि आपकी बात हो रही है क्या बोला था मैंने स्टार्टिंग में, अप्रैल मई जून जून में हो रहा है, तो जुलाई अगस्त सितंबर में हो रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हो रहा है, जनवरी फरवरी मार्च में हो रहा है, तो अप्रैल नहीं मई 31, बस ये याद रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही थी कि मई 31 याद रखने हैं, सारे बच्चे गड़बड़ करके 31 अप्रैल कराएंगे, लेकिन 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 बिल्कुल भी नहीं 31 मई आपको याद रखना है। बात समझ में आई, तो यहाँ तक आप करो एंड उसके बाद फिर मैं कराऊँगी आपको नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से करो एंड अच्छे से प्रिपरेशन करो, डरो मत बिल्कुल भी कि क्या है JRF नेट, बिल्कुल मत डरो, अच्छे से पढ़ोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हाँ सुनो एक बात और, प्रीवियस ईयर एनालिसिस करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे अभी भी सिलेबस के पीछे लगे हुए हैं, सिलेबस के पीछे मत लगो, यही टाइम है जो आप अपने प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके समझ सकते हो कि कहाँ पर हमारी क्या प्रॉब्लम आ रही है और हमें उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई ना तो गारंटी है कि आप सक्सेस पक्का होगे, ठीक है,
और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, कि टेंशन से आधा तो आप दिमाग ख़राब वैसे ही कर देते हो, जितने पढ़े हो उसका आधा परसेंट तो आपके दिमाग में रहता है, आधा तो वैसे ही वेस्ट चला जाता है। इसलिए बिना टेंशन के बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी करो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।